गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है मोहिनीस लाइफस्टाइल। और आज सुबह सुबह आपको लग रहा होगा ना मैं काफ़ी तैयार होके और रेड रेड पहना है। अभी मेरा प्लान था मंदिर जाने का और काफ़ी टाइम जब मैं सोची थी मंदिर अंदिर नहीं गई थी तो मेरा मन कर रहा था। हमारे सुल्तानपुर के पास ही एक लोरा मऊ मंदिर है तो आज हम वहाँ पर जाएंगे। और अभी मैं किचन में थी, काम कर रही थी और किचन में मतलब खाना वाना थोड़ा बना रही थी, सब रेडी हो गया है, बस चावल चढ़ाना है, रोटी सेकनी है और बच्चे इधर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कम और शैतानी लड़ाई ज़्यादा कर रहे हैं। आज मैंने ये रेड कलर का सूट डाला है, ये सूट बहुत प्यारा था बट जिनको मैंने सिलने के लिए दिया था ना उन्होंने एकदम ख़राब कर दिया, एकदम फिटिंग इसकी इतनी ख़राब है कि मतलब खुद पहन के ना बहुत, कभी कभी ऐसा होता है ना कोई कपड़ा आपके हिसाब से नहीं सिला होता या कुछ भी, पता नहीं क्यों मुझे पहन के इसको बहुत अटपटा लगता है। मैंने कभी मतलब हो सकता है 2 या 3 बार ही मैंने इसको पहना है जब से बनवाया, और शायद 1 साल इसको हो गया होगा, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा बनवाए हुए, बट मैंने 2 या 3 बार ही इसको पहना है। और बच्चे अपना, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, देखिए दुपट्टा इसका बहुत प्यारा लगता है मुझे, तो चलिए इसका दुपट्टा और सलवार जो है मैं किसी और सूट के साथ कर लूँगी। और हाथ दर्द होने लगता है ऐसे पकड़े पकड़े, तो चलिए रेसिपी देख लीजिए आप, क्योंकि यूपी में जिस तरह से बनती है सोया मेथी की सब्जी तो वो मैंने शूट की है, तो रेसिपी देख लीजिए उसके बाद मिलती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जी काट ली है जिसमें कि आलू गोभी और सोया मेथी है, और अब हम इसको सरसों का तेल डाल के हरी मिर्ची का तड़का देंगे। और बहुत ही सिंपल ये सब्जी बनती है हम लोगों के यहाँ, हो सकता है आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही बनती हो, बहुत सिंपल बनती है बट बहुत टेस्टी लगती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मेथी दाना डालूँगी और बस इतना ही डाल के मैं सब्जी छोंक दूँगी, और थोड़ा सा जब हाफ सब्जी पक जाएगी फिर उसमें मैं नमक डाल के फिर थोड़ा सा और पकाऊंगी। तो अभी देखिए ये सिर्फ सब्जी छोंक के मैं इसको थोड़ा सा चला के और फिर ढक दूंगी, फिर ढकने के बाद जब ये हाफ कुक हो जाएगी फिर मैं इसमें नमक डाल के, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिए, और बस इस सब्जी में नमक और हरी मिर्ची ही पड़ती है और कुछ नहीं पड़ता है। तिरछी नजर से कैमरे को देख रही है, कितना बुलाने के बाद छत से जाके चिल्लाई हूँ तब जाके ये लोग खाना खाने के लिए आए हैं। चलो आओ खाना दें, देखो 2 मिनट कपड़ा डाल रही है, छत पे जगह नहीं है क्या, सारा यही रेलिंग पे डालेंगे, छत पे जगह नहीं है, गेहूं पड़ा है क्या, चलो डाल दो, सूखेगा तो नहीं फिर उठाना पड़ेगा, पानी वानी हो जाएगा तो उठाना पड़ेगा। हाय हाय, वो कैमरे के लिए इतना नीचे होता है कि ये लो नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते कर रहा है, सब नमस्ते का जवाब देना ही नहीं का, और आज कपड़े अंदर ही पड़ रही है तो अरे किचन के अंदर तो अंधेरा हो जाता है, तो चलिए मैं इनका खाना वाना लगाती हूँ, देती हूँ, नहीं तब भी अंधेरा रहता है, खाना वाना लगा के इनको देती हूँ। मैंने तुम लोगों के लिए जैम ब्रेड भी रखा था, तुम लोग नाश्ता छोड़ो, खाने का टाइम हो गया, जैम ब्रेड रखा था मैंने, सादा सादा ब्रेड खा लिया मैंने, रखा था जैम ब्रेड लगा के, तो चलिए खाना वाना दे दूँ इन लोगों को, तब करती हूँ क्या।
और मंदिर जाने का प्लान कैंसिल हो गया। अभी बताती हूँ क्यों। तुम्ही को कैप्चर करूंगी मैं आज पूरा दिन। तुम क्या एक्टिविटी करती हो, रिकॉर्डेड रहेगा ये। लोग बिना चिल्लाते चिल्लाते भी सुनते नहीं है। हंस रही हूँ और सच में हंसते हंसते ना मेरे देखो गाल में ना एकदम रेड रेड हो गया, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है ना मुझे घबराहट होती है, मैं बहुत ज्यादा हंसती हूँ ना तो मेरे जो चीक्स हैं वो रेड हो जाते हैं। तो मैं अभी बात कर रही थी रजनी से, जिनका यूट्यूब चैनल है रजनी किचन तड़का, और उनसे मैं बात कर रही थी। और मुझे सच में बात करते करते ना उनसे फोन पे एक घंटा हो गया, और इतनी अच्छी अच्छी हम लोग बातें कर रहे थे कि मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और कभी होगा तो वो चैनल पे वो मुझसे मिलने आएंगी। वो बोल रही थी कि उनको आना है मुझसे मिलने, तो जब भी आएंगी तो वीडियोस में ज़रूर दिखेंगी आपको। और मेरा जाना मंदिर कैंसिल हो गया। आप लोगों को सबको पता होगा यार, सबके हस्बैंड ऐसे ही करते हैं, तैयार कर देंगे उसके बाद बोलते हैं अभी चलते हैं अभी चलते हैं अभी चलते हैं, तब तक उनका काम ही नहीं ख़त्म होता है। फिर 12 बज गए थे तो मुझे लगा अब मैं 12 बजे के बाद जाऊँगी ही नहीं मैं, तो फिर मैं नहीं गई। और अभी मुझे जाना है मार्केट, तो वीडियो कंटिन्यू रखूंगी। और रूम की हालत देख रहे हो, ये बच्चे पढ़ के गए हैं, पढ़ के नहीं ये लोग फैला के जाते हैं। और अभी रूम में कोई नहीं है, बच्चे गए हैं बाहर। ये देखिए इस तरीके से मैंने ना अपना सब सेट करके रखा है। बड़ी प्रॉब्लम है, क्या क्या बताऊँ मैं ट्रेजिडी का। और इधर देखो ट्राईपॉड मेरा इधर रखा है, टीवी मेरी ये रखी है, अब मैंने ढक दिया थोड़ा, डस्ट वस्ट जा रही थी उसमें। और एक बच्चा ये बच्चा बैठा है यहाँ पे। चलिए अभी मार्केट जाना है, तो देवरानी जी से पूछा जाए जाएंगी कि नहीं जाएंगी। धनी है कहाँ? पूजा पूजा शायद बाहर वाले कमरे में है, तो उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं कॉल करके उसको पूछती हूँ। देखो एक ही घर में ना हमको कॉल करनी पड़ती है, आगे पीछे कॉल करनी पड़ती है, वो एकदम आगे वाले कमरे में होगी। तो हम लोगों को जाना है पार्लर, क्योंकि शादी है और हम लोगों को शादी में जाना है लखनऊ, तो इसी के लिए सारी तैयारी हो रही है। मैं अचानक से इतना सीक्रेटली क्यों बोलने लगी पता नहीं। तो चलिए पहले मैं पूजा को कॉल करती हूँ, पता करती हूँ। देखो कौन है, हाय कर दो जुगू, हाय करो कुछ कर दो, हाय बाय कुछ करो। कैमरा देखते ही शांत हो गया। कौन दिख रहा है इसमें? सो मैं आ गई नीचे देवरानी के रूम पे, जिसकी काफ़ी कमेंट वमेंट आया था, तारीफ हुई थी कि देवरानी का रूम आपका बहुत अच्छा है। तो बच्चों का कमरा तो ऐसे ही होता है। अरे लुको 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 लुको, ये देखो ये। सो देवरानी का रूम अच्छा है क्योंकि उसकी अभी अभी शादी हुई है, सारा सामान नया है, कमरा अच्छा है। अब मैं यहाँ रही नहीं तो मेरा कमरा क्या, मेरा तो कोई कमरा ही नहीं है अभी, मेरा कोई कमरा ही नहीं है अभी, तो ऐसे ही काम चलाओ सब चल रहा है ना। तो मेरा हो चाहे यहाँ अच्छा हो, मैं यहीं आके रह लेती हूँ जुग्गू के पास। जुग्गू इसका नाम रख गया, इसका नाम है अथर्व, पर इसके बड़े पापा ने क्या नाम रख दिया इसका, जुग्गू। और ये आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये ऐसा बच्चा है जो न्यूज़ पे भी नाच सकता है ना, समाचार में भी ये डांस करता है। डांस कर दो जुग्गू भाई, जुग्गू डांस कर दो। अभी फोन में ही देख रहा है कि मैं दिख रहा हूँ, अभी नहीं तो इसका डांस शुरू हो जाता। अच्छा कर दो टिक टिकी। नहीं करना है। चलो आज इसका मूड नहीं है, ये अभी सो के उठा है, इसका मूड नहीं है। बट ये सच में ऐसा बच्चा है जो कि समाचार में भी डांस करता है ना, है ना जुग्गू। इसके बड़े पापा ने इसका नाम अच्छा खासा अथर्व है, और इसका नाम रख दिया है जुग्गू। जुग्गू किचका नाम है। देखो कैसे देख रहा है जुग्गू। देखो कौन है जुग्गू। इनकी मम्मी गई हैं तैयार होने, फिर मिलाते हैं इनकी मम्मी से, यानी कि मेरी देवरानी से। ये मेरे पर्स में देख रहा है, क्या देख रहे हो मेरे पर्स में, क्या देख रहे हो?
सब लोग तैयार हो गए निकल गए, जुग्गू भी तैयार हो गया है। अच्छा खासा जुग्गू का नाम अथर्व से जुग्गू हो गया है। अब हाय कर लो, देखो इसको कैमरा देखते ऐसे हो जा रहा है, देख रहा हूँ उसमें हम दिख कैसे रहे हैं, हम पागल जैसे दिख नहीं, सब अच्छे लग रहे हैं। और कल जिसका बर्थडे बताया था नूपुर का बहन का, ये है बर्थडे गर्ल। हाँ कल तुमको बहुत सारे लोग विश किए थे, कल बहुत सारे लोग विश किए थे लाइव में जब मैं गई थी। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर लवली विशिंग। और एक दिन बुढ़ा बर्थडे हो गया इनका। तो चलिए चलते हैं मार्केट, फिर मिलता है। ओके बाय बाय जुगु बाय। तो आ गए हम लोग मार्केट पार्लर से, और मेरा फेस भी और बाल भी अजीब सा लग रहा है किसी ने गाय वाय ने चाट लिया बाल। जुगु ये देखो इन्होंने तो रो के जो तहलका मचाया है। और ये मिलो जुगु आए, देखो वो देखो, देखो मम्मा देखो माछी। सो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर पूरा वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। दीपा कुछ बोलना चाहती थी मुझे लग रहा है, नूपुर कुछ बोलना चाह रही थी, मुंह में बात लेके किधर चली गई, मुंह में बात लेके कहीं और चली गई। क्या लोगों के चेहरे देखिए, फेशियल करा के आए तो अभी थोड़े ना फर्क पता चलेगा, दो दिन बाद चमकेंगे हम शादी। हाँ हाँ वो देखते हैं, कब है शादी? 11 तारीख की, 2 दिन बाद चमकेंगे। सब लोग देखिएगा जरूर इन लोगों को 11 तारीख को। 11 तारीख को हम लोग रहेंगे फ्री एकदम, पट्टा ले लो पक्का डालेंगे ब्लॉग में। अरे तो क्या हो गया, सब अच्छा है। चलिए फिर आप कन्वर्सेशन करिए विद योर फेवरेट मोहिनी लाइफस्टाइल वालों के साथ। बाय बाय, हेलो बाय, वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।